दोस्तों आज आप लोगों को दिखाएंगे, देखिए मेरे पास एक तो वीवो वी 29e मॉडल है दोस्तों। देखिए वीवो वी 29e मॉडल का बैक ग्लास चेंजिंग के वीडियो शेयर करेंगे दोस्तों। देखिए जो ग्लास, देखिए फर्स्ट टाइम वीडियो शेयर करें आप लोगों के साथ दोस्तों, इसको देखिए बैक ग्लास चेंजिंग का। तो ये सब मॉडल अभी तो नया नया आया दोस्तों, अभी देखिए इसको रिपेयरिंग वीडियो भी अगर काम आएगा तो वो भी शेयर एक एक करके आ जाएगा आप लोगों के साथ। तो अभी देखिए फिलहाल इस मॉडल का काम आया मेरे पास बैक ग्लास चेंजिंग का दोस्तों। ये देखिए बैक ग्लास, तो मैंने सेम टू सेम बैक ग्लास को परचेस किया मार्केट से। लेकिन इसको देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग एक बात बोल देता हूँ, इसको देखिए आप लोग ये जो ग्लास देख रहे हैं ये ग्लास 100% ओरिजिनल नहीं है दोस्तों, 100% ओरिजिनल नहीं, लेकिन फास्ट का भी ओरिजिनल, मतलब क्वालिटी बेस्ट है दोस्तों। मतलब अभी देखिए मार्केट जो क्वालिटी बेस्ट में मिलता है ना, मैं अभी देखिए कस्टमर से थोड़ा सा दो पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन हमेशा कोई भी चीज़ अगर चेंज करें ना क्वालिटी बेस्ट देने के लिए कोशिश करता हूँ। वो भी आप डिस्प्ले बोलिए, चार्जिंग कोड बोलिए, फ्लेक्स बोलिए, जो भी बोलिए दोस्तों, ठीक है। तो इसको देखिए बैक ग्लास मैंने मार्केट से जो परचेस किया ओजी क्वालिटी का, लेकिन 100% ओरिजिनल नहीं है, 100% ओरिजिनल अभी तक मार्केट में नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम आ जाएगा तो आप लोग साथ शेयर भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों आराम से मैंने अभी इसको बैक ग्लास को ओपन करे, तो बैक ग्लास थोड़ा सा टेबल आके लेता हूँ क्योंकि टूट गया ग्लास, थोड़ा खोलने का रिस्क भी होता है। तो आराम से इसको खोलता है दोस्तों, और फर्स्ट टाइम इस मॉडल का ओपनिंग काम हो रहा है दोस्तों मेरे हाथ में, मेरे शॉप में। वीवो वी 29e मॉडल का अभी तक तो काम कुछ भी काम नहीं आया, ये नया वाला मॉडल है। कस्टमर बोल रहा है इसको 2 महीने हुआ कस्टमर लिया है, तो 2-3 महीने हुआ शायद मॉडल देखे, शायद उसको ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कस्टमर लिया है उसका, फिर जल्दी इसको हाथ से गिर गया था, तो इसीलिए ग्लास चेंजिंग का काम है उसका। फिर डिस्प्ले का काम ही आ सकते हैं, बोर्ड में कोई इशू के करके काम आएगा तो वो भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि देखिए मेरा काम है मॉल का रिपेयरिंग का शेयर करना है आप लोगों के साथ कोई भी काम के लिए दोस्तों, इसीलिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आराम से अभी देखिए मैंने इसको जो बैक ग्लास ओपन कर लिया, इसमें देखिए अभी तो बैक ग्लास तो ओपन हो गया, अभी इसको मैंने सेट करेंगे कैमरा ग्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों इस कोई भी इस मॉडल में। देखिए कुछ दिन पहले वीवो वी 27 मॉडल का जो ग्लास चेंजिंग किया था वो भी शेयर करेंगे आप लोग साथ। तो इसमें देखिए साइड में जो ग्लू फूल है उसको मैंने क्लियर कर लेंगे बोर्ड में। इसको देखिए अभी तो मिडिल फ्रेम और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ काम करना का बैक ग्लास में। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हुए देखिए। तो इसमें देखिए दोस्तों इसको जो बैक ग्लास है ना, बैक ग्लास आराम से निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए आराम से आपका काम करना पड़ेगा। इसको ग्लास देखिए कैमरा ग्लास मार्केट में नहीं मिल रहा है, अभी तक भी नहीं आया। देखिए मेरे को जो बैक ग्लास मिला है ना, ग्लास के साथ कैमरा ग्लास भी नहीं है, कैमरा ग्लास नहीं है, सिर्फ बैक ग्लास को मिला है दोस्तों। क्योंकि देखिए कुछ कुछ मॉडल ऐसे होता है जो नया निकलते हैं तो मार्केट में माल आने के लिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो यहाँ पर तो शायद नहीं मिल रहा है। मेरा कलकत्ता का जो मार्केट है मॉल शॉप मार्केट है, शायद बाहर कोई दिल्ली फिल्ली तो जरूर आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुछ दिन बाद शायद आ ही जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। तो इसको देखिए मैंने हीट मार के एक एक करके इसको उठाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग देखिए दोस्तों, हीट ऐसे कीजिएगा जो आपका थोड़ा सा टेम्परेचर कम करके काम आपका जरूर सक्सेसफुल मिल जाएगा। देखिए अभी मैंने सबसे पहले जो फ्लैश लाइट है ना, फ्लैश लाइट को उठाकर अभी सेट करेंगे बैक ग्लास में। तो चलिए देखिए ये जो मैंने ग्लास परचेस किया दोस्तों, देखिए ये भी सही है, क्वालिटी उतना ख़राब नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन फिर भी क्वालिटी बेस्ट है दोस्तों। आप लोगों को सेटिंग करके दिखाता हूँ, और इसको जो प्राइस आएगा, देखिए प्राइस जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए कितना प्राइस आएगा बैक ग्लास चेंजिंग का। तो अभी देखिए दोस्तों मैंने आराम से इसको देखिए थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको जो फ्लैश लाइट ओपन किया, पुराना वाला जो ग्लास था उसमें ओपन किया, तो उसका भी यहाँ पर सेट करेंगे। देखिए इसको आराम से यहाँ पर देखिए सेटिंग हो जाएगा। तो अभी चलिए इसको कैमरा जो ग्लास है दोस्तों उसको ओपन करेंगे। और अभी देखिए दोस्तों इसमें कैमरा ग्लास ना लुकिंग फिनिशिंग सेटिंग कंपनी बहुत बढ़िया करता है, वीवो कंपनी मेरे को पसंद आता है दोस्तों। क्योंकि देखिए बैक ग्लास चेंजिंग के लिए ना, मतलब बैक ग्लास को भी कैमरा का लुकिंग जो बनाता है ना, खुलने के बाद कैमरा लुकिंग और अलग हो जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियो भी आप लोग से शेयर भी किया है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आराम से अभी देखिए इसको हीट मार के ओपन करेंगे। देखिए तो इसको देखिए आप लोग हीट टेम्परेचर सही से इसको सेट करके काम कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। देखिए अभी 230-220 ऐसे भी हीट को सेट करके थोड़ा कम भी करके आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने आराम से इसको निकल रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों इसको हीट मार के इसलिए निकल रहा है, देखिए अभी आराम से ऐसे खुद नहीं निकलेगा। तो खुद अगर नहीं निकलेगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, टूट जाएगा, दिक्कत आएगा, इसलिए आप लोग इसको आराम से हीट मार के निकल लीजिए। देखिए इधर का ये जो पार्ट निकल गया, उस साइड में अभी क्या फंडा है, देखिए दोस्तों सिर्फ कैमरा ग्लास निकल जाएगा, बस इतना ही यहाँ पर काम है दोस्तों। ये देखिए कैमरा कैसे सेटिंग किया, लुकिंग कैसे बनाया कंपनी, ये देखिए अभी इधर में देखिए दोस्तों, ये देखिए इसको सिर्फ ग्लास निकल जाएगा। तो अभी देखिए दोस्तों ये जो ग्लास का जो ग्लू है ना, मैंने हीट मार के जो निकाला, अभी वही ग्लू से मैंने इसको सेट करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लू यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हो गया हमारे इस बैक ग्लास चेंजिंग का, देखिए अभी नया वाला यहाँ पे सेट करके बोर्ड में और तो मिडिल फ्रेम में अभी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने का लुकिंग कैसे लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए बैक ग्लास देखिए मोबाइल देखिए नया है पुराना है ऐसी कोई बात नहीं, हर से अगर गिर जाएगा अचानक कहीं भी उसको रख रहे तो उसको टूट जाएगा, तो रिपेयरिंग काम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी देखिए इसको बैक ग्लास पीछे में से इसको लाएगा, आगे से इसको मतलब इधर से नहीं जाएगा। तो अभी देखिए मैंने इसको वही में सेट कर देंगे यहाँ पे देखिए। तो ये देखिए दोस्तों अभी ग्लास जो सेम टू सेम पोजिशन में ऐसे रख देते हैं। तो अभी चलिए इसको हो गया इधर का देखिए। तो अभी देखिए उसमें जो पेस्ट है ना दोस्तों, अभी जो उसको पेस्ट मैंने उसको पेस्ट यहाँ पे सेटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और भी हीट मार के ओपन किया था,
हीट मार के सेटिंग करेंगे, बस हो गया मेरा काम। ये देखिए दोस्तों अभी कैमरा ग्लास सेटिंग हो रहा है दोस्तों। ये देखिए देखिए मेरा बैक ग्लास का लुकिंग आ गया। अभी देखिए लुकिंग तो बढ़िया बनाता है दोस्तों कंपनी, जो भी बोलिए मॉडल का। तो चलिए दोस्तों अभी देखिए आराम से इसका लुकिंग तो आ गया। अभी देखिए इसको थोड़ा सा हल्का हीट मारेंगे, बस कम्प्लीटली मेरा यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। बस हो गया मेरा बैक ग्लास का काम। अभी सिर्फ मिडिल फ्रेम में ग्लू लगा के इसको सेटिंग कर देंगे, इतना अभी काम है दोस्तों। ठीक है, तो इसको देखिए प्राइस मैंने आप लोगों को जो बोला दोस्तों, प्राइस कितना आएगा तो प्राइस को जानने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देखना होगा कितना प्राइस आएगा इसको बैकग्लास चेंजिंग के दोस्तों। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों मैंने आराम से यहाँ पे सेटिंग हो गया, बस काइन खत्म यहाँ पे और कुछ नहीं। चले इसको आराम से थोड़ा सा प्रेस करके और भी अच्छे से सेटिंग कर दिया, हो गया। उसमें जो ग्लू था वही ग्लू से सेटिंग हो गया। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे साइड में ग्लू लगाना पड़ेगा, तो आराम से ग्लू लगा के इसको सेटिंग कर देते, बस हो गया। तो अभी देखिए दोस्तों अभी मैं जो ग्लू यूज़ कर ना डिस्प्ले सेटिंग कर लेंगे, जो ग्लू यूज़ करते हैं वही ग्लू मैं यूज़ करें। तो अलग से देखिए बोथ साइड टेप भी आता है पतला वाला, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं जाता है। पतला वाला जो बोथ साइड टेप होता है ना, वो आपका ज़्यादा दिन नहीं जाएगा, तो इसलिए आप लोग ऐसे ग्लू यूज़ कीजिएगा तो आपका थोड़ा अच्छे तरीके से सेटिंग रहेगा। ठीक है, बहुत दिन जाएगा, तो इसीलिए ऐसे सेटिंग कर दीजिएगा। तो अभी देखिए मैंने दोस्तों आराम से अभी यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा वो चलिए उसको कैमरा लेंस के ऊपर एक तो थोड़ा सा ग्लू आ गया, साइड कर देता है, हो गया। तो चलिए दोस्तों अभी देखिए इसको लुकिंग भी आ गया, मेरा बैक ग्लास भी चेंज हो गया। पहले तो टूट गया था, तो टूटने का ग्लास तो ज़्यादा दिन कोई नहीं रखना चाहता है, तो शायद अच्छा है जो चेंज किया कस्टमर फर्स्ट टाइम मेरे पास लेके आया VB29E मॉडल का। तो ये सब रिपेयरिंग तो अभी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए रिपेयरिंग काम तो हम लोग का काम है मोबाइल रिपेयरिंग का। रिपेयरिंग तो जो भी आएगा शेयर भी करेंगे, जो भी नया मॉडल फोन मॉडल जो भी काम आता है तो आप लोग शेयर भी करते हैं। तो इसलिए मेरा चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, आप लोगों को जरूर हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों। आप मोबाइल यूज़ करते हो तो आपका जरूर एक दिन मेरा वीडियो काम आएगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी देखिए बैक ग्लास सेटिंग हो गया, तो अभी इसको थोड़ा सा रबर बैंड लगाएंगे ना, इसको मैंने एक दो घंटा रखना पड़ेगा। देखिए पूरा अच्छे से पेस्टिंग होने के लिए ज़रूरत है। तो अभी देखिए इसको देखिए लुकिंग कैसे लगेगा। देखिए पहले तो टूट गया था, अभी देखिए सेम टू सेम लुकिंग है दोस्तों। मार्केट में मैंने सेम टू सेम कलर, सेम टू सेम पार्ट्स किया, सेम टू सेम अच्छे कैसे इसको सेटिंग भी किया। अभी रबर बैंड लगा के इसको सेटिंग कर देंगे, बस हो गया। देखिए ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देने के लिए शुक्रिया। तो आइए वीडियो देखकर आप लोगों को जानकारी मिले, कोई सीखने को मिले, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ डाउट है तो बिना टेंशन मेरे को कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी चलिए इसको रावण मार लगा के एक डेढ़ घंटा तो रखना ही पड़ेगा इसको, इसीलिए तो जरूरत ही है। चलिए दोस्तों थैंक यू, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।